बच्चों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। ये एक्सवाई नंबर अपना 7.2 चल रही है। इससे पहले हमने एक्सवाई नंबर 7.1 इससे पहले वीडियो में तीन वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अपने पास 7.12 का अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। मैं इसको रीड करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन ऑफ -1, 7 and 4, 3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कर दे, तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ता हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपको ए पॉइंट मान के चलो ये दिया हुआ ए पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 1, -1 और 7 और जो बी पॉइंट के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 -3। तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है आपको। रेशियो आपको दिया हुआ है, फाइंड नहीं करना। रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो 2:3 मतलब अनुपात। अब यहां से इनके जो बीच का जो पॉइंट आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहां से एक पॉइंट है ए, ये मान के चलो, और एक पॉइंट है यहां पे बी, और इसके बीच का जो पॉइंट है उसको पी मान लो, जिसके निर्देशांक होंगे एक्स और वाई। इसके जो ए के जो निर्देशांक है 1 और 7 और इसके निर्देशांक है 4 -3। अब यहां पे जिसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है 2। अभी रेशियो इसका यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 3। इसका मतलब ये होता है, तो यहां पे 2:1 मतलब यहां पे एन वन की वैल्यू है ये 2 और यहां पे एफ टू की जो वैल्यू है यहां पे 3। ठीक है, अब यहां पे इसको बोल देंगे हम यहां से एक्स वन और इसको बोल देंगे एक्स टू। एक्स वन क्या है -1 और एक्स टू क्या है 4। उसके अलावा वाई वन क्या है यहां पे, वाई वन है अपने पास यहां पे है 7 लिख दिया और वाई टू क्या है -3। अब यहां से इंटरली सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला अपने पास होता है। तो यहां से x के जो वैल्यू फाइंड करते हैं तो x वाला फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस यहां से m2 y1 क्या x2। यहां से होता है ये x1 upon m1 plus m2। ये x वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, अब y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये वाला होता है y बराबर का m1 y2 plus m2 y upon m1 m2। तो यहां से मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां से देखिए m1 की वैल्यू क्या है 2 है और x2 की वैल्यू क्या है यहां से 4 है प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहां से 3 है और x1 की वैल्यू क्या है -1 है अपॉन m1 plus m2 2 plus 3। तो यहां से देखें हम y में y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m2 की वैल्यू क्या है यहां पे m1 की वैल्यू 2 है इनटू y2 की वैल्यू क्या है यहां से -3 और प्लस का m2 की वैल्यू क्या है यहां से 3 है और y1 की वैल्यू क्या है यहां से y1 की 7 by m1 plus m2 m1 की वैल्यू 2 और प्लस 3। तो अब मैं ये यहां पे सोल्व करता हूं इधर की साइड, यहां पे नहीं भरा। तो यहां से देखिए x बराबर का 2 into 4, तो ये 2 into 4 क्या हो जाएगा अपने पास। तो यहां से मैं करूंगा सोल्व, तो x बराबर का 4 into 2 कितना जाएगा 8 प्लस का यहां से आप देखो माइनस का प्लस ही माइनस का देखो माइनस हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2 plus 3 5 हो जाएगा और इधर y की वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहां से देखो 6 into 2 माइनस का 6 और यहां से 7 into 3 तो यहां से प्लस का 21 upon 5 आगे नीचे। तो x की वैल्यू आएगी अपने पास यहां पे 8 plus 3 गया तो 5 upon 5 तो 5 upon 5 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू तो अपने पास 1 आ चुकी है। तो यहां से y की वैल्यू सोल्व करते हैं तो यहां से इसमें से माइनस होगा तो अपने पास आ चुकी है इसकी वैल्यू ये आ चुकी है 15 upon 5 तो यहां से y की वैल्यू आ चुकी है 3।
तो यहां से x की वैल्यू अपने पास आएगी कितनी, 1, और यहां से y की वैल्यू आएगी 3। तो ये P बिंदु बिंदु के जो निर्देशांक थे, कोऑर्डिनेट थे, वो अपने पास आए यहां से x और y। तो P बराबर x की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू 3। यहां से अपने पास जो आए हैं निर्देशांक इसके P और y, एक्स वाई, ये आ चुके। तो आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ थ्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-3 एंड 2-2 एंड -3। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, थ्री सेक्शन में डिवाइड करने हैं आपको। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए। तो पढ़ता हूँ मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो बिंदु 4-1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं को आपको कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना है। तो मान के चलो आप जो आपको दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट है ए, उसके जो आपको दिए हुए हैं निर्देशांक 1 और -1 4-1। अरे बी जो निर्देशांक मान के चलो बी है सेकंड कोऑर्डिनेट, उसके जो निर्देशांक है -2, -3। अब इसको सम त्रिविभाजित करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम त्रिविभाजित, बोले तो सम तीन समान तीन भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ पे तीन भागों में विभाजित करेंगे हम। इसको मैं ए से, इसको बी नहीं, मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं डी मान लेता हूं। तो ए से डी मान लिया मैंने। अब सम त्रिविभाजित करना है तो तीन भागों में इसको डिवाइड करना है। तो मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। अब इस एक लाइन बनाई तो मैंने यहां पे इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको मैं बी पॉइंट बोल दे, इसको मैं डी पॉइंट बोल देता हूँ। ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट था अपने पास 4-1 और जो नेक्स्ट था अपने पास इसके थे -2-3। तो इसके कोऑर्डिनेट ये थे। उसके बाद देखिए अब इसको सम त्रिविभाजित मतलब तीन भागों में इक्वल करना। तो पहला यहां पे करना और यहां पे करना, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। तो देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो ये हो गया सम त्रिविभाजित, मतलब त्री सेक्शन में काटना है इसको। तो बी के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होगा, ठीक है ना, ये इसके निर्देशांक होंगे x2 y2 होंगे। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक पता लग गए। अब हमको करना क्या रहेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले में क्या दिया जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको डिवाइडेड करने से सबसे पहले रेशियो बनाते हैं। अब रेशियो बनाते हैं तो ए से बी, मतलब यहां से हम मान के चलते हैं हमको बी की जो कोऑर्डिनेट x1 यहाँ पे x1 है ये और एक y1 है। तो x1 y के निर्देशांक ज्ञात करने, इस वाले की x1 और y1 इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक को इसको क्या बोल देंगे, यहां से यहां तक इसको जो रेशियो 1:1 है। अब यहां बी का फाइंड करना है मेरे को, तो मेरे को बी से डायरेक्ट किस पे करना है, यहाँ बी से डी पे करना है। तो इसको मैं बोलता हूँ एक सेक्शन, दो एक सेक्शन और एक सेक्शन, दो सेक्शन में डिवाइडेड है, इसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। बी वाले निर्देशांक फाइंड करने के लिए ये वाला पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद ये सोल्व करेंगे। अब उसके बाद हम करें क्या करेंगे, हम सी के निर्देशांक फाइंड करेंगे उसके बाद। तो सी के निर्देशांक फाइंड करने के लिए ए से सी, तो यहां से यहां तक फाइंड करेंगे। तो इसमें देखो यहां 1, 2, तो दो सेक्शन है इसमें। सी वाले निर्देशांक फाइंड करने के लिए अब सी से डी फाइंड करने के लिए, तो यहां से एक सेक्शन है तो एक सेक्शन ही हो गया। तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले सी पॉइंट के लिए, पहले बी पॉइंट के लिए निकाला था, इसको एक सेक्शन ले लिया और इसको दो सेक्शन ले लिया। अब सी पॉइंट निकालेंगे, इसको दो सेक्शन ले लिया, इसको एक सेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, याद रखो हम हमारे पास है यहाँ पे ए बी बराबर का दिया हुआ है, बी सी बराबर है और सी डी बराबर है यहाँ पे। तो ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर, इस वजह से सेक्शन लिए हुए है। तो यहां से मैं बोल देता हूं ए से, अब मैं से यहां से बोल देता हूं ए से ए और डी आर मिड पॉइंट बी। तो ए डी का मध्य बिंदु बी है। अब बी क्या है, यह है x1 और y1, इसके निर्देशांक है। अब इसके निर्देशांक याद करने के लिए तो इसके रेशियो क्या आएंगे, तो यहां पे इसके रेशियो क्या आएंगे आपको वही फाइंड करना है। तो मैं यहां पे रेशियो इसके लेता हूं, रेशियो जिसे बोलते हैं अनुपात। तो देखिए यहां से ए से डी, मतलब हमने क्या लिया है, बी पॉइंट लिया है, तो यहां से यहां तक ए आ रहा है एक सेक्शन,
और यहां से इधर की साइड से यहां से यहां पे डी दो सेक्शन आ रहा है, तो यहां पे एक रेशियो दो क्यों लेंगे बी वाले के लिए। अब यहां से इसके पॉइंट आ चुकी है मेरे पास, अब यहां से ए वाले के निर्देशांक पता है, बी डी वाले के निर्देशांक पता है और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है। अब यहां से एक्स वन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए होता है अपने पास एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वाला फॉर्मूला था। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, यहां पे एम वन की जो वैल्यू है एक है और एम टू की वैल्यू दो है, याद रखना ठीक है ना। तो एक्स वन की वैल्यू जो फाइंड करेंगे यहाँ पे बी वन बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट की एक्स वन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एम वन क्या है टू है, वन है टू नहीं वन है, इन टू एक्स टू क्या है यहाँ पे एक्स टू देखो यहाँ से अपने पास है ये रहा माइनस का टू, यहाँ पे माइनस का टू प्लस, यहाँ पे एम टू क्या है एम टू है अपने पास टू इन टू एक्स वन क्या है एक्स वन ये रहा फोर आगे वाला अपॉन टू कर दिया। अब यहां से देखो अब ध्यान से अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू कर दिया वन प्लस टू, फिर यहां से देखो वाई पॉइंट वाई वन फाइंड करने के लिए तो एम वन क्या है यहाँ पे वन है और इन टू वन इन टू वाई टू क्या है यहां से, यहां से वाई टू क्या है, अब वाई टू निकालने के लिए देखो ध्यान से आप तो वाई टू क्या है यहां से ये रहा माइनस का थ्री प्लस का, एम टू क्या है यहां से एम टू है अपने पास टू इन टू एक्स वन क्या है माइनस का वन अपॉन वन प्लस टू एम वन प्लस एम टू, तो यहां तक आ चुका है हम, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो आगे देखिए ध्यान से यहां पे एक्स वन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टू इंटू वन माइनस का टू, यहां पर माइनस का टू प्लस का फोर इंटू टू कितना जाएगा एट हो जाएगा, एट हो गया अपॉन वन प्लस टू क्या होगा थ्री हो जाएगा यहां पे, यहां पे हो जाएगा थ्री और कोमा वाई वन बराबर का, यहां पे वाई वन फाइंड करेंगे तो थ्री का वन मैंने इंटू किया तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास थ्री, उसके बाद देखिए प्लस है मेरे पास यहां पे माइनस का थ्री आ गया तो यहां पे टू से वन को इंटू करेंगे तो माइनस का टू, तो माइनस का टू हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहां पे, तो माइनस का टू अपॉन थ्री। अब इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, यहां देखिए एक्स वन अपॉन अब एट में से टू जाएगा तो यहां पे मेरे पास बचेगा यहां बचेगा सिक्स, कितना बचेगा सिक्स बचेगा, अब सिक्स बचेगा अपॉन थ्री बच रहा है यहां पे, और यहां से माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस, तो माइनस के फाइव अपॉन थ्री, माइनस के फाइव अपॉन थ्री, तो मेरे पास जो बी के जो कोऑर्डिनेट थे, बी के जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वन और वाई वन, इसके जो आया मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट ये आया है मेरे पास सिक्स अपॉन, मैंने यहां पे दिया थ्री में सिक्स का भाग तो थ्री दूनी दो आ गया ठीक है। उसके बाद यहां से y1 का जो वैल्यू आएगी इसमें तो भाग ही नहीं जाएगा तो 5 इंटू थ्री, तो b के जो कोऑर्डिनेट आए तो वो आया अपने पास 2 माइनस का रूट थ्री माइनस थ्री अपॉन टू। अब यहां से b के निकाले, अब मैं c के निकालूंगा, c के निकालने के लिए आपको इतना भाग ध्यान में रखनी बात कि यहां से आप जो रेशियो लोगे तो a से c मतलब दो सेक्शन है तो a से यहां से दो ले लिया, अब c से d लेंगे तो यहां से एक सेक्शन है इसके लिए एक लेंगे, अब यहां से हम ले सकते हैं तो यहां तो देखो मैंने इधर ये किया था, अब उसके बाद मेरे को सी पॉइंट निकालना है तो यहां से ए से बी, ए से मैं बोलता हूं ए से डी ए डी आर मिड पॉइंट सी जिसके निर्देशांक एक्स टू कोमा वाई टू, तो यहां से ए डी का मध्य बिंदु, अब यहां से जो रेशियो होंगे क्या होंगे रेशियो जिसे बोलते हैं हम अनुपात, अनुपात क्या होता है यहां पे रेशियो एम वन कोमा एम टू, अब ये है क्या एम वन, तो यहां से देखिए सी कोऑर्डिनेट लिया तो यहां से एक कुछ दो सेक्शन आ रहे हैं तो दो लिख दिया यहां से, एम टू क्या हो गया यहां से देखो एक यहां पे एक लिख दिया, तो वैसे जैसे ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखी थी इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया था वैसे सोल्व करेंगे, अब इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला मैंने एक्चुअली में यहाँ पे लिख रखा है
तो ठीक है ना, दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से आप देख लेना, तो यहां से हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 क्या है आपके पास, 2 है, इनटू x2 क्या है आपके पास, x2 देखो यहां से a से d, a से d है ना, तो x2 क्या है, ये ना माइनस का 2 प्लस का, फिर चल रहा है m2 क्या आपके पास 1 इनटू, और यहां से आपके पास x1 क्या है यहां से 4 है, तो यहां से 4 लिया अपॉन 2 प्लस 1। उसके बाद y2 फाइंड करने के लिए ये देवाली, तो y2 फाइंड करने के लिए तो देखो अब यहां से m1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी इनटू, उसके बाद यहां से y2 क्या है माइनस का 3, यहां माइनस का 3 लगा दिया प्लस का, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए m2 क्या है 1 है इनटू, और उसके बाद y1 क्या है माइनस का 1, यहां माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहां से 1 प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 2 क्या जाएगा माइनस का 4 प्लस यहां पे 4 अपॉन 3, y2 यहां से निकालेंगे 6 माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे 1 अपॉन 3, तो x2 बराबर यहां से माइनस का इससे कट जाएगा, तो देखो यहां पे इससे 0 आ जाएगा, 0 से करेंगे 0 आएगा, और y2 बराबर सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, वैसा देखो माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 7 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट आए किसके, यहां से आए अपने ये सी के जो कोऑर्डिनेट आए वो आएंगे अपने पास 0 और माइनस का 7 अपॉन 3। तो ये लास्ट आंसर था अपने, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है वो, तो उसको ऐसे आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो हम आते हैं डायरेक्ट 4 क्वेश्चन पे, तो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 and 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -8 6। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले पे बुक का यूज कीजिए। यहाँ पढ़ता हूँ मैं, बिंदुओं -3 से 10 और 6 से -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -8 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना किस अनुपात। तो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है ए मान के चलो, और एक पॉइंट दे रखा बी, ठीक है ना। ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको -3 और 10, और जी बी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट दिए हुए वो दिया हुआ है 6, -8। तो ए को यहां से बी को, ठीक है, ए पॉइंट ये वाला है, बी पॉइंट ये वाला है, यहां से कोऑर्डिनेट दिए -3 और 10 और 6 और -8। अब जो इसका डिवाइड करता है मिड पॉइंट, इसको मान लेते पी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए हैं -1 और 6 दिए हुए हैं। अब यहां से ए से पी और पी से बी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो यहां से आपको रेशियो फाइंड करना है। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होता है, यहां से यहां का रेशियो मानते हैं m1, यहां का रेशियो मानते हैं m2। अब यहां से हम यहां मान के चलते हैं, मैंने माना, मैं लिखता हूं यहां से लेट कि m1 की जो वैल्यू है मैंने k मान ली, और यहां से m2 की जो वैल्यू मैंने 1 मान ली, यहां पे ये मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान से सीखना इसको। m1 की वैल्यू मैंने k मान ली और m2 की वैल्यू मैंने 1 मान ली। अब मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, तो अप्लाई करने से पहले मैं यहां बताता हूं, x बराबर का m1 x2 और प्लस m2 x1 बराबर 1 अपॉन। तो x1 की जो वैल्यू होगी अपने पास ये होगी माइनस का, ये x और ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू होगी अपने पास -1, और m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास k है प्लस, उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रहा x2 6, तो मेरे पास x2 की वैल्यू है 6 और प्लस का m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 इनटू x1 की जो वैल्यू है मेरे पास माइनस का 6 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। तो आगे यहां से सोल्व करते हैं देखो, तो k प्लस 1 है यहां पे, अब k प्लस 1 में इधर लिखा देता हूं, तो k प्लस 1 इधर आएगा, तो माइनस का k माइनस का 1, तो यहां पे माइनस अंदर होगा, तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, बराबर का चल रहा है, उसके बाद 6 इंटू 6, तो यहां पे 6k हो जाएगा, और यहां से प्लस, ये देखो माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहां पे माइनस का 3, और यहां से देखिए अब ध्यान से, तो यहां पे देखोगे अब माइनस का k, इसको इधर लेंगे माइनस का k माइनस 6k इधर आ जाएगा,
और इसको इधर लेंगे माइनस का थ्री, माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा इधर। तो यहां से देखिए अब ध्यान से, माइनस का के माइनस का के, तो माइनस का सेवन के हो गया बराबर का माइनस का थ्री और माइनस का वन, तो माइनस का यहां से हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा यहां से टू हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से के बराबर का हो जाएगा सेवन अपॉन टू, तो सेवन यहां से हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, तो थोड़ा मैं यहां लिखता हूं यहां से, तो यहां से के सेवन बाई टू। तो यहां से देखिए अब आप, तो मैं सेवन के बराबर का टू है अपने पास, के बराबर सेवन को नीचे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब के अपॉन इसके नीचे क्या है एक मान लो, तो टू अपॉन सेवन, तो के की वैल्यू टू है और वन की वैल्यू क्या है सेवन है यहाँ पे। तो के ये माना था मैंने, एम वन की वैल्यू मैंने क्या मानी थी और अनुपात एम टू की वैल्यू, इसकी मैंने के मानी थी, इसकी मैंने वन मानी थी। के की वैल्यू क्या मेरे पास टू है तो ये टू आ गई, और एक की वैल्यू मेरे पास कितने सेवन, तो यहाँ पे जो अनुपात आया एक अनुपात सेवन, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो आते हैं।